हेलो स्टूडेंट्स, जेपीएससी डिजिटल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग रसायन विज्ञान के तृतीय चैप्टर थर्ड चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना में पिछली क्लास में जो है पढ़ा था जो है लुईस निरूपण के बारे में। लुईस संरचना किस प्रकार से लिखी जाती है और क्यों लिखी जाती है इसके बारे में पढ़ा था। तो जो है अष्टक नियम के अकॉर्डिंग उनकी संरचना किस प्रकार की होती है लुईस जो है नियम के अनुसार या लुईस निरूपण के अकॉर्डिंग जो है हम लोग पढ़ते हैं। उसी में हमने फॉर्मल आवेश के बारे में पढ़ा था। फॉर्मल आवेश अगर हम सामान्य रूप से देखें कि फॉर्मल आवेश क्या होता है, तो किसी भी अणु में जो है किसी परमाणु पर उपस्थित धन आवेश या ऋण आवेश को ही क्या कहते हैं, हम फॉर्मल आवेश कहते हैं। किसी परमाणु पर फॉर्मल आवेश की गणना हम इस सूत्र के द्वारा करते हैं, फॉर्मल आवेश बराबर होता है उस परमाणु में या परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस उस परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या माइनस 1/2 आबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इस सूत्र के द्वारा जो है हम लोग क्या निकाल पाते हैं, किसी भी परमाणु पर फॉर्मल आवेश निकाल पाते हैं। जैसे एक संरचना हमने बनाई थी जिसमें जो है नाइट्रोजन पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, यहाँ पर जो है ऑक्सीजन पर 4 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे और यहाँ पर इन ऑक्सीजन परमाणुओं पर जो है 6 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और इस ऑक्सीजन पर भी जो है 6 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होती हैं। अब हमने यहां पर देखा था कि पहले हमने इसका नंबरिंग कर दिया था 1, 2, 3 और 4 इस प्रकार से। तो हमने देखा था कि इसका सामान्य सूत्र अगर हम जो है संकेत के रूप में लिखें तो Fc बराबर होता है फॉर्मल चार्ज इक्वल टू वैलेंसी इलेक्ट्रॉन माइनस Lp माइनस 1/2 Bp। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम नाइट्रोजन पर देखें तो नाइट्रोजन के बाह्यतम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 5 इलेक्ट्रॉन होता है, और माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 2। माइनस आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या कितनी है, 4 × 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर 4 हो जाएगा ये, और यहां पर कोई ये जो नाइट्रोजन है नाइट्रोजन पर कोई इलेक्ट्रॉन युग्म एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं था, इसलिए 4 − 1/2 × a तो आ जाता है हमारा 5 − 4 = +1 आएगा। इसलिए यहां पर क्या हो जाता था जो है हो गया था प्लस 1 से जो है धन आवेश आ जाएगा। अब हम ऑक्सीजन परमाणु पर देखते हैं जिसको हम नंबर 2 दिए हैं, तो हो जाएगा इसका 6 माइनस कितने इलेक्ट्रॉन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, 6 − 6 − 1/2 और आबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2 है। आबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या
दो है तो हो जाएगा 0 - 1 = -1। अतः इस ऑक्सीजन पर -1 चार्ज होगा, इसका जो है इस पर क्या चार्ज होगा -1 होगा। इसी प्रकार से इसके बाद हमको उसमें कितने 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है 6 - 6 और आबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने पिछली क्लास में बताया था कि BP = होता है 2 × बंधों की संख्या, बंधों की संख्या, तो बंधों की संख्या 1 है तो 1 × 2 = 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी क्या आ जाएगा -1 - चार्ज जो है आ जाएगा। अब इस ऑक्सीजन परमाणु पर अगर हम देखें तो इस ऑक्सीजन परमाणु पर अगर निकालेंगे तो 6 - 1 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या 1, 2, 3, 4 चार एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है तो -1/2 आबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 तो हो जाएगा 2 - 6 = 2 - 2 = 0। तो यहाँ पर कोई भी जो है फार्मल आवेश धन या जो है ऋण चार्ज नहीं होगा। आयनिक आबंध या वैद्युत संयोजी आबंध, वैद्युत संयोजी आबंध, आयनिक आबंध या वैद्युत संयोजी आबंध, जैसा कि हम जानते हैं धातु परमाणु अपने संयोजी कोष से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है तथा अधातु परमाणु अपने संयोजी कोष से बैलेंस सेल BC हम लिख दे रहे हैं, बैलेंस से जो है बैलेंस में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आवेशित हो जाता है। विपरीत आयनों का एक दूसरे से आकर्षित होकर समीप आकर एक बंध निर्माण करते हैं जिसे वैद्युत संयोजी आबंध कहते हैं। जैसे सोडियम धातु इसका परमाणु क्रमांक Z = होता है 11। ये जो है इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 2, 8, 1 होता है और Cl धातु जिसका Z = होता है 17 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8, 7। यह धातु अपने संयोजी कोष से एक या एक से अधिक तो यह एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाता है
Na प्लस बनाता है और Cl जो है एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने अष्टक को पूरा कर लेता है और यह एक इलेक्ट्रॉन दान करके अपने अष्टक को पूरा कर लेता है। इस तरीके से Cl परमाणु के पास बाह्यतम कोश में कितने 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सोडियम परमाणु इसको एक इलेक्ट्रॉन अपना जो है दे देता है और NaCl जो है Na और Cl के मध्य एक बंध बनता है जो कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा बन रहा है और यह विपरीत आवेशित परमाणु आपस में जो है आकर्षित होकर नजदीक आते हैं और बंध बनाते हैं। तो यह बंध जो बन रहा है या क्या कहलाता है, वैद्युत संयोजी आबंध कहलाता है या आयनिक आबंध कहलाता है, आयनिक आबंध कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा वैद्युत संयोजकता, वैद्युत संयोजकता, वैद्युत संयोजकता। इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या जो आयनिक आबंध के निर्माण में एक परमाणु देता है अथवा ग्रहण करता है उस परमाणु की वैद्युत संयोजकता कहलाती है। इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या जो आयनिक आबंध के निर्माण में एक परमाणु जो है देता है अथवा ग्रहण करता है उस परमाणु की वैद्युत संयोजकता कहलाती है। जैसे NaCl में सोडियम एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे रहा है अतः इसकी वैद्युत संयोजकता कितनी है, +1 है। और चूंकि Cl जो है एक परमाणु जो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है सोडियम से ले रहा है अतः इसकी जो वैद्युत संयोजकता है वह क्या है, -1 है। आयनिक आबंध को प्रभावित करने वाले कारक, आयनिक आबंध को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं इनके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले है आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी क्या होती है, किसी भी विलगित गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में लगने वाली ऊर्जा ही क्या कहलाती है, आयनन एंथैल्पी कहलाती है। आयनन एंथैल्पी का मान कम होने पर होने पर धनायन का निर्माण सरलता से होता है। जैसे कोई परमाणु है और उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है तो अगर इसकी आयनन एंथैल्पी कम ऊर्जा लगाकर ही इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो जो है यह जल्दी से इलेक्ट्रॉन
जो है यहाँ से निकालना आसान होगा और यह जल्दी इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या करेगा, धनायन जल्दी बनाएगा। अतः जो है जो आयनन एंथैल्पी होती है इसका मान ज्यादा होने पर जो है यह धनायन जल्दी नहीं बनाएगा, लेकिन अगर इसका मान जो है आयनन एंथैल्पी का मान कम है तो वह जो है परमाणु धनायन जो है आसानी से बना लेता है। दूसरा हमारा है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी किसी विलगित गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर निकलने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहलाती है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अधिक होने पर ऋणायन का निर्माण सरलता से होता है, ऋणायन का निर्माण सरलता से हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान मतलब इलेक्ट्रॉन जो है जोड़ने में जो है जल्दी जितनी ऊर्जा निकलेगी उतना ही जल्दी यह क्या बनाएगा, ऋणायन बनाता है। तीसरा है जालक एंथैल्पी या जालक ऊर्जा। वह ऊर्जा जिसमें विपरीत आवेशित आयनों द्वारा क्रिस्टलीय ठोस के निर्माण में मुक्त होती है, वह ऊर्जा जिसमें विपरीत आवेशित आयनों द्वारा एक मोल क्रिस्टलीय ठोस बनाने में मुक्त होती है क्या कहलाती है, जालक ऊर्जा या जालक एंथैल्पी कहलाती है। जालक एंथैल्पी का मान अधिक होने पर आयनिक आबंध या यौगिक जो है वह अधिक अस्थाई होता है। विपरीत आवेशित आयनों द्वारा मिलकर के एक मोल क्रिस्टलीय ठोस बनाने में जितनी ऊर्जा मुक्त होती है वह उसकी क्या कहलाती है, जालक ऊर्जा कहलाती है। जालक ऊर्जा का मान जितना अधिक होगा वह जो है दोनों आयनों के बीच बनने वाला आयनिक आबंध अथवा वह जो है वह यौगिक जिसमें यह आबंध बन रहा है वह अधिक अस्थाई होता है। आयनिक यौगिकों के गुण, आयनिक यौगिक सामान्य रूप से क्रिस्टलीय ठोस होते हैं,
ठोस होते हैं दूसरा है अंतरा आयनिक बलों के प्रबल होने के कारण इनका गलनांक एवं क्वथनांक क्वथनांक उच्च होता है। तीसरा है आयनिक यौगिक विद्युत के अल्पचालक होते हैं परंतु ध्रुवीय विलायकों जैसे जल में घुल कर विद्युत का चालन करते हैं। और चौथा हमारा है आयनिक यौगिक अकार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं तथा कार्बनिक विलायकों जैसे बेंजीन C6H6 या कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि में अविलेय होते हैं। तो ये जो है हमारे आयनिक यौगिकों के गुण हैं। आयनिक यौगिक सामान्य रूप से जो है क्रिस्टलीय ठोस जो है के रूप में पाए जाते हैं। इनके आयनों के बीच में प्रबल बंध होने के कारण इनका जो गलनांक और क्वथनांक होता है वह उच्च होता है। आयनिक यौगिक विद्युत के अल्पचालक होते हैं क्रिस्टलीय ठोस के रूप में। अगर इनको ध्रुवीय विलायक जैसे जो है जल में घोल दिया जाता है तो यह विद्युत सामान्य रूप से विद्युत का चालन करते हैं। और आयनिक यौगिक अकार्बनिक विलायकों जैसे जल में जो है विलेय होते हैं लेकिन कार्बनिक विलायक जैसे बेंजीन कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि में अविलेय होते हैं। विद्यार्थियों आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहिए।